थानों की पुलिस फोर्स और COCT के नेतृत्व में हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के लिए गुस्साए ग्रामीणों की स्थिति के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद रहा। चार थानों की पुलिस फोर्स COCT डॉक्टर अरुण कुमार सिंह और SDM टूला डॉक्टर सुरेश कुमार अंतिम संस्कार होने तक गाँव में मौजूद रहे। फिरोजाबाद से मयंक शर्मा की रिपोर्ट, SKS न्यूज। सीओ साहब, जो पशुपुरा के अंतर्गत जिस गांव में आप खड़े हैं, यहां पर एक पीट पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है परिजनों ने, क्या मामला है पूरा? ये इसी माह की 11 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को पिटाई कर दी थी, जिसमें आज उसकी मृत्यु हो गई है, जलील नाम के व्यक्ति की। इसमें ऑलरेडी मुकदमा पंजीकृत है और चार लोगों के विरुद्ध नामजद, इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और कार्रवाई की जाएगी। इसमें परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब वो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए थे तो पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की थी और मारपीट की थी। ऐसा मामला संज्ञान में आया है, संबंधित खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के आदेश पर इसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है, तो इस मामले में पुलिस की जो कार्रवाई रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा और जो भी न्यायोचित होगा उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो चारों अभियुक्त हैं, क्या फरार हैं इस समय? हाँ, अभी उसमें अरेस्टिंग नहीं हुई है। आपका? मोहम्मद असगर अली। क्या घटना हुई थी उस दिन? उस दिन हमारे बच्चों की हालियत नाजुक थी बहुत, तो हम मन से आए, इस बच्चे को होश आया, दो दिन बाद होश आया तो हम आए रिपोर्ट कराने के लिए। इस बच्चे ने हमें बताया कि हमें एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हमें माल लगाई गई है। तो हम थाने गए, हमारे साथ और भी थी दो चार, हम थाने गए तो इन लोगों ने हमारी रिपोर्ट छीन ली। पहले रिपोर्ट ले ली हमसे कि क्या रिपोर्ट है, रिपोर्ट दिखा। फिर हमसे बोले ये कि असल दिखा, असल क्या है। मैंने कहा असल तो हमारे पास है नहीं है, तुम्हें रिपोर्ट लेनी है तुम इससे डॉक्टर की, वो थी वो क्या कहते हैं NOG कहते हैं, क्या कहते हैं वो डॉक्टर ने लिख के दी थी, सरकारी डॉक्टरों ने, उनके साथ में हम रिपोर्ट करने आए तो हमारी रिपोर्ट लेकर फाड़ दी। फिर कल्लू जिसका लड़का जो आज खत्म हो गया उसको बंद कर दिया, उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद में फिर हमारे साथ तो औरतें थी, तब हमने कि हमारा बच्चा आलो, अरे हमारा बच्चा मन की सांसें गिनने आए हो तुम, हमारी आदमी को बंद कर रहे हो जो मूल्य में उनको पकड़ के नहीं ला रहे हो और हमें ही और बंद कर रहे हो। फिर हमारी औरतें चिल्लाई रोई पीटी, तब उन्हें निकाला, निकालने के बावजूद बाहर आ गया, सो एक दरोगा जी आए, उनने गाल में दिया भाई भोसड़ी गई, हमने तो ये बंद कर दिया तो तू बाहर क्यों निकल के आया। जब फिर हमारा आए तो फिर उन्होंने कह दिया अच्छा चलो भागो, तुम्हारी रिपोर्ट हो गई। मेरी रिपोर्ट हो गई, हमें तो कुछ दो, कैसे रिपोर्ट हुई, क्या हुई, क्या दिखाएंगे हम जाके। उनके जाओ तुम्हारी रिपोर्ट हो गई, हमें मार भोर के भगा दिया, हम चले आए। हम उसी दिन गुड्डू भाई साहब के पास गए, गुड्डू बघेल के पास। आपने आपकी रिपोर्ट कहाँ से लिखी गई है फिर? हमारी रिपोर्ट लिखी गई डबराई से, कोर्ट के द्वारा। कितने लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है? चार जनों की। क्या नाम है उनके? एक का गोपाल और वीरेंद्र है, वो होमगार्ड में, एक फौजी है, उनका नाम मुझे याद नहीं है। रिटायर्ड फौजी है या अभी मौजूदा? रिटायर हो गए, और एक बेदू है।